चलिए आज एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास टेंथ यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को एप्लीकेशन आज पढ़ाना है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में बोलते हैं कि त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अब आप लोगों को यह जानकर भी खुशी हो रहा होगा कि आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत नियरेस्ट है और आप कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से कॉपी पेन के साथ आप इसको देखिए। चलिए पहले हम लोग जान लें कि हेडिंग क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अनुप्रयोग इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिए, ये चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो कोण होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक कोण उन्नयन कोण होता है और दूसरा आपका अवनमन कोण होता है। हिंदी में प्योरली समझें, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो हम जाने कि उन्नयन कोण किसको कहते हैं। कोण इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम किसको कहते हैं, आप दिमाग लगाइए और जानिए। यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख से क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित है, यानी आप ऐसे कहिए उ माने ऊपर और नयन मीन्स आंख, यानी कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होता है तो उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होता है तो उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन अवनमन में हम लोग अवनमन किसको कहते हैं, इसको आप देखिए। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट कहां से या कोई आदमी ऊपर से किधर की ओर देख रहा हो, नीचे की ओर, तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम आपको क्वेश्चन में हूबहू जिस तरीके से सवाल कहेगा उसी तरीके से बताएंगे। एप्लीकेशन में आपको एक चीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने वाली है कि यदि आपका फिगर इसमें बन गया तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और यदि फिगर नहीं बना पाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए कैसे, तो हमको पढ़ना कितने कोणों के बारे में, दो, एक उन्नयन कोण है और दूसरा आपका अवनमन कोण है। चलिए देखिए किसी क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपके यहाँ कि किसी समय एक स्तंभ की छाया, सवाल लिख लीजिए, किसी समय एक स्तंभ की छाया, ये क्वेश्चन है, किसी समय एक स्तंभ की छाया, सवाल देखिए, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। किसी समय एक स्तंभ की छाया, देखिए क्वेश्चन आपके बुक का है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है। छाया उसकी लंबाई की, लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। ध्यान से देखिए, किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, क्या बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की कितनी गुनी है। बोलो भाई, किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट तीन गुनी है। सूर्य का क्या बताना है? उन्नयन कोण। अब सूर्य के उन्नयन कोण को पहले हम लोग कोण बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कह रहा किसी समय स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट तीन गुनी है, तो ऐसे आपका स्तंभ बनेगा। ये क्या बना? स्तंभ। माना स्तंभ की जो ऊंचाई है वो क्या है? कैपिटल एच। बातों को समझिए अंशु। देखो किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट तीन गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है अंडर रूट तीन गुनी ये समझिए। छाया, आवाज नहीं। देखो करना क्या है, किसी समय एक स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की अंडर रूट तीन गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीन दैट ज्ञात क्या करना है आपको? यंगिल। क्या बताना है? यंगिल। अब हम जान रहे हैं कि जो उसका स्तंभ है, किसी समय एक स्तंभ की छाया, स्तंभ इसी को कहेंगे, ये क्या हो गया? यच। कह रहा उसकी लंबाई की, लंबाई जमीन पे बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी छाया की बात कर रहा है। छाया कहाँ बनता है? जमीन पर। तो कह रहा है कि छाया उसकी लंबाई की कितनी गुनी। अगर ये इसको यच माने हैं तो क्या हो गया? एच अंडर रूट तीन गुनी है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? सूर्य का उन्नयन कोण। अब नाम दे दीजिए इसका, ए बी और क्या है? सी। क्या नाम देंगे? ए बी और सी। इतना समझ गए ना? तो हम लोग कहेंगे इन ट्राइंगल, ऐसे बनाए, बना दीजिए से भी ट्राइंगल किसमें? ए बी और सी में। अब इसमें क्या करेंगे? यहां ए बी और क्या दिया गया है? सी। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप दिमाग लगाइए, कर पाएंगे? देखिए पहले इसमें से टेन थीटा को हम लोग लिख लेंगे क्योंकि एंगल यही बताना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू भी कितना होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। किसी लड़के ने सवाल किया था इसमें टेन ही क्यों मान रहे हैं, तो आप इसको जानिए, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया होता तो फार्मूला क्या लगाते हैं? टेन। ट्रिग्नोमेट्री में या किसी में भी, किसी में क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया गया होता है, क्या क्या दिया गया होता है? परपेंडिकुलर और बेस, तो उसमें हम लोग इसको क्या लगाएंगे? टेन। टेन थीटा इज इक्वल टू भी लंब बटे क्या होता? आधार। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट थ्री। एच से एच आपका कैंसिल हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू भी कितना हो गया? वन अपॉन अंडर रूट थ्री। अब टेन में कितने की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट थ्री है? बोलो। टेन थर्टी की वैल्यू क्या है? वन अपॉन अंडर रूट थ्री है। बहुत सही। टेन थर्टी इज इक्वल टू भी कितना? वन अपॉन अंडर रूट थ्री। यानी इसको देखिए, इसको काट दिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। यानी इसका कोण क्या हो गया? यही आपका ऊंचाई, ओ सॉरी एंगल हो गया। क्या पूछ रहा? सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपने कितना लिख दिया? 30 डिग्री। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है आपसे, इसको इरेज करें। चलिए आगे एक अगला क्वेश्चन है इसी में। क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहे हैं कि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं रहती है तो वो समझ नहीं पाएंगे, और आप बुक से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। चलिए आगे एक अगला सवाल है। सवाल है कि किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर, सवाल आप देखिए और इसी पर हूबहू प्रैक्टिस भी करिए। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर, किसी बिंदु से मीनार के शिखर
शिखर बिंदु की दूरी कितना दिया गया है? 80 मीटर। 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उस बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखिए, अगर आप प्रश्न को समझ गए तो आप इजीली वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों? देखिए कैसे समझेंगे। कह रहा किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर, तो जो पाद बिंदु होता है उसको जमीन की बात करते हैं, बेस पर। तो आप कहेंगे कि किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर, यानी जमीन पर कितनी दूर? 40 मीटर। किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित, ठीक है, क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार, अब मीनार नीचे बनेगा नहीं, ऊपर बनेगा, ये क्या हो गया मीनार। मीनार के शिखर बिंदु से 80 मीटर की दूरी पर, इसके शिखर से कितनी मीटर की दूरी पर? 80 मीटर की दूरी पर। इसी को क्षैतिज बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि उस बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप दिमाग लगाइए, ये होगा एंगल। अब हमको क्या क्या पता है? बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज को हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसका? कर्ण। लिख लीजिए, ये कर्ण है और ये आपका क्या है? लंब है। नहीं तो समझ जाओ कि इसी लंब को कर्ण लिख दिया गया। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? कर्ण है। उतना आप समझदार है। ये देखिए, ये क्या है? लंब है, ये कर्ण है और इसको क्या बोलते हैं? आधार है। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आप चाहे तो कास लगा लीजिए या आप सेक लगाइए, कास और सेक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे अब हम लोग अगर कास थीटा को लिखते हैं तो आधार बटे क्या लिखते हैं? कर्ण। पहले इसका नाम दे दें, ए बी और सी। कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप एक चीज जान गए हैं। यहां से हम लोगों को देखना यह है कि कॉस थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको फार्मूले में बताया गया था क्या होता है अंशु कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। चलिए, इसमें आधार कितना है? आधार बटे कर्ण। आधार माने बेस, बेस आपका 40 है और कर्ण कितना है? 80। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू है बाबू साहब, बताइए? 1/2 कितने की वैल्यू है? 60 की। बहुत सही। cos 60 इक्वल टू कितना है? 1/2 दिया गया है, थीटा लिख दिए, यहां क्या लिख देंगे? cos 60 डिग्री। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? cos 60 डिग्री। तो आपको ये चीज पता हो गया, आप फिगर बना लेंगे तो आपको लगाने में आसानी होगा। नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड में थोड़ा लगाइए, इरेज करें इसको। आगे अगला क्वेश्चन है आपके यहां, अपने बुक से ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। यही है, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी हुई, एक 40 मीटर, तीसरा होगा ये, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है, उड़ रही है। एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है।
यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्षैतिज से कितना डिग्री बना रहा है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाती है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ऊंचाई ज्ञात करो या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सवाल वही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दिमाग लगाइए और करके बताइए। चलिए ले लीजिए समकोण, पहले नाम लिखेंगे, पहले डायग्राम की वजह से देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले ना बनाइए, पहले जो कह रहा है उसको कीजिए। एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, अगर पतंग उड़ेगी तो इसी शेप में उड़ेगी। एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है, यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, तो पतंग का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताना है। पतंग की ऊर्ध्वाधर, इसका मतलब पतंग ऐसे उड़ाया जा रहा होगा और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, यही आपको बताना है। और ये क्या है, बेस है, इसको एक्स मान लेंगे हम लोग। किस से उड़ रही है, 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। डायग्राम बन गया, कहीं दिक्कत। समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख लीजिए नाम, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता ही, समकोण त्रिभुज नामकरण कर दीजिए इसका, ए बी और क्या हो गया सी, यहां क्या बनाएंगे थीटा। पूछा क्या है, ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई, ठीक है, पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए, क्या क्या मालूम है और क्या निकालना है। फार्मूला देख करके आप बताएंगे कि इसमें क्या मालूम है क्या निकालना है, बताइए। देखो कर्ण आपको मालूम है, क्या मालूम है, कर्ण आपको मालूम है, यहां एक्स के लिखने का कोई सेंस नहीं है, कर्ण मालूम है। और बात किसके बारे में किया जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की, किसके बारे में, बातों को समझिए, यही आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं पूरे वादे के साथ कहता हूं लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, बात किसके किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे समझ नहीं पाते कि साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं, टैन लगाऊं, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना है, सिंपली देखिए बात किसके बारे में हो रही है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और दिया क्या गया है, 40 मीटर लंबी डोरी से पतंग बंधी है, जो उड़ रही है पतंग। अब इसमें आप देखिए, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कितना, कर्ण। तो लंब बटे जो कर्ण होता किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा, किसका होता है, साइन थीटा का। अब थीटा की जगह पे कितना दिया गया है, 30 डिग्री, बोलो इतना समझ गए, इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, एच अपॉन 4d। ध्यान रहे आपको जो दिया रहेगा और जो फाइंड करना रहेगा, सेंस दोनों में ही निकाल के, साइन रहेगा तो साइन लगाएंगे, कॉस रहेगा कॉस लगाएंगे, टैन रहेगा तो टैन लगाएंगे, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू भी एच अपान कितना 40, 2 × 2 और इसको देखिए इक्वल में अगर रहता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। देखिए ये 1 हो गया इक्वल टू भी एच अपान कितना 20, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 20, एच की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 क्या होगा, एच की वैल्यू 20 क्या है, मीटर लिख दो, 20 क्या हो गया मीटर, अतः ऐसे लिख सकते हैं पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना है,
20 मीटर। चलिए, अतः पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिख लीजिए। चलिए इरेज करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। एक अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की चोटी से का उन्नयन कोण, क्वेश्चन लिख दें। चलिए नंबर ही बताइए क्वेश्चन का। अच्छा देखिए, एक सवाल है इन लोगों का कि सर्कस का एक कलाकार, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सर्कस का एक कलाकार, एक कलाकार ये क्या कर रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा आपके यहाँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंभे के शिखर से बंधा है, और भूमि और भूमि पर और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से, लगे एक खंभे से बंधा, खंभे से बंधा है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया हो, यदि भूमि अस्तर के साथ, यदि भूमि स्तर के साथ किससे बनाया गया हो, साथ डोर द्वारा बनाया गया हो, डोर द्वारा बनाया गया हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन आपके यहां दिया गया है और इसको हम लोग कायदे से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छा चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया हो तो खंभे की ऊंचाई का, ये हो गया खंभा, क्या हो गया है खंभे का ये बेस हो गया, यहां से कसी एक डोरी बांध दी गई, ये क्या हो गया खंभा, इसकी ऊंचाई क्या है 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर नहीं है, इसको ज्ञात करना है। कह रहा खंभे की ऊंचाई क्या करो, ज्ञात करो, ठीक है। सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, कितनी मीटर की है, 20 मीटर की लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चल रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि सब इसका फिर नाम दे दीजिए, नाम दे दिया ए बी और क्या सी, बी क्या है समकोण है, तो इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी, क्या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, इतना समझे कि नहीं। अब आप जानिए हमने दो चीज कहा था, एक दिया गया होता है और एक ज्ञात करना होता है, इन्हीं दोनों के बारे में अगर हम लोग जान लें तो फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी वे हो जाएगा। कैसे, एक तो आप जान रहे हैं कि ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है,
और दिया क्या गया है, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इसका मतलब यह चपान कितना 20, यह लंब है और 20 कर्ण है। इसका मतलब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू वी एच अपॉन 20। यही हुआ, यही तो है भाई। अब हमको बताना क्या है, क्या बताना है भाई, है? अच्छा इसकी ऊंचाई बताना है, ठीक है। थीटा तो दिया गया होगा, तो क्या है थीटा, लगाया गया कोण भूमि पर सीधे लगे एक खंभे से बंधा एक भूमि के स्तर के साथ, भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, तो कोण कितना डिग्री हो, बनाया गया कोण, बनाया गया हो नहीं, बनाया गया कोण कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो क्या बताना, खंभे की ऊंचाई, वही के इसे निकल पाएगा। चलिए यहाँ कितना हो गया, 30 डिग्री। कह रहा सीधे लगे एक खंभे से बंधा या भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंभे की ऊंचाई याद करो, साइन 30 की वैल्यू अनुपान 2, एच अपान कितना 20, 2 अंजा 2 और 2 टेंजा 20, गुणा कर लीजिए, एच बाई 10 इक्वल टू कितना 1, गुणा कर लो, एच बराबर कितना 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। तो जनरली आप इस पर इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप पूछिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको लगभग चीजें समझ में आई होंगी, कोई क्वेश्चन और ना आ रहा हो तो पूछ लो, पूछो कोई क्वेश्चन जो ना आ रहा हो। चौथा नंबर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए, यहां भी पढ़ लीजिए, और जो ना समझ में आए उसको आप घर पे भी पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन इनके यहां चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, भूमि के एक बिंदु से, लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से कमा जो, क्या दिया गया है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, 30 मीटर मीटर की दूर पर है, है। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यदि मीनार के शिखर का, अब की बार कोण ना छोड़ना, नहीं तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर क्यों घबरा गए। चलिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहां से इसकी दूरी कितना है 30 मीटर, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, नहीं इधर से जाओ, चलिए भाई कुछ इसी में एक्सेप्शनल भी आ जाते हैं, आगे से जाओ पीछे से जाओ। देखिए भूमि के एक बिंदु से
जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर पर है, दूरी पर है, इसे लिख दीजिए। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये मीनार हो गई, मीनार की ऊंचाई बतानी है और इनके बीच कोण कितना है 30 डिग्री। अब देखो बात किसके बारे में, ऊंचाई के बारे में। बेस दिया गया है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज, वही पुरानी बात, किसमें? ए बी सी में। समझ रहे अंशु? चलिए टैन कितना, इसका नाम दे दो ए बी और क्या हो गया सी। हाँ टैन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है एच और आधार कितना है 30 है। और यहाँ वैल्यू पुट क्यों नहीं की, टेन 30 डिग्री इक्वल टू भी एच अपान 30। टेन 30 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 3, ये कितना हो गया एच बाई 30। इसका इसमें इंटू कर लेंगे तो 30 हो गया, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया एच अंडर रूट 3। यहाँ से एच निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसके नीचे अंडर रूट 3, ये हो गया। इसी चीज को यहाँ लिख देते हैं जिसे दिखाई पड़े आप लोगों को, 30 अपान कितना हो गया अंडर रूट 3। और इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज की हिंदी परिमेयीकरण। तो इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30 अंडर रूट कितना हो गया 3। कुछ वर्ड तो जानो कम से कम, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एच इक्वल टू 10 अंडर रूट 3, ये कितना हो गया मीटर। अगर इसमें अंडर रूट 3 की वैल्यू रख के गुणा कर लोगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा, नहीं तो लिख सकते हैं अतः क्या मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 मीटर है, ऐसे लिख दीजिए ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 मीटर है। ऊंचाई लिखें तो फिर एच क्या लिखे। तो इस तरीके से आपको हम जितना क्वेश्चन हो सका है लगभग प्रयास किया हूं कि आपको समझ में आ जाए, और इसी तरीके आप क्वेश्चन इस पर बनाते रहिए। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, एक आपके यूपी बोर्ड में एक दो जो कुछ भी आता है पेपर से आप इसको मिलाइए, और जहां ना जान पाइए उसको पूछने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।